हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको टसल्स बनाना बताऊंगी। मैंने पहले से कुछ टसल्स बना के रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हैं। जो सैटन मैंने रिबन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टसल्स बनाने के लिए मैंने सैटन रिबन का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं टसल्स की लेंथ लूँगी, तो मैंने 4 इंचेस लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेंथ छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क करूँगी पहले, देन यहाँ से सीजर से कट कर लूँगी। रिबन कट कर लिया मैंने, और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रहे हैं, यहाँ से मैं नीडल्स की हेल्प से यहाँ से निकालना चालू करूँगी थ्रेड। बहुत ईजिली यहाँ से थ्रेड निकल जाएगा। पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा थ्रेड निकालूंगी। मैं आराम से इस नीडल से इस थ्रेड को, एक्स्ट्रा जो निकले हुए थ्रेड से मैं निकालूंगी, ताकि ये जो साइड की लॉक है वो आराम से खुले। ये जो निकला हुआ थ्रेड है, इसे मैं पकड़ के खींचूंगी अपनी तरफ, ये फिर ये पूरा लॉक इसका जो है वो खुल जाएगा इस रिबन का। उसके बाद ये थ्रेड मैं पकड़ के खींचूंगी, फिर ये आसानी से पूरा थ्रेड निकल जाएगा। लगभग हाफ थ्रेड मैंने निकाल दिया है। अब इसी में बीच में से नॉट लगाऊंगी इसको। नॉट लगाने के लिए मैंने इसी सैटन रिबन से जो थ्रेड निकला है उसी का मैंने यूज़ किया है नॉट लगाने के लिए। इस तरह से मुझे सेम कलर का थ्रेड मिल जाएगा नॉट लगाने के लिए। थ्रेड को मैंने 4 राउंड किया हुआ है, इससे मजबूती आएगी। थ्रेड के मिड में मैं रिबन को रखूंगी। अब इसे मैं नॉट लगा के इसे फिक्स कर दूंगी। अब इसे 2 से 3 बार आप इसमें नॉट लगा सकते हैं। हाफ टसल पे मैंने नॉट लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था हाफ, उसके भी थ्रेड में खींच के बाहर निकाल लेती हूँ पहले। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैंने बाहर निकाल लिया है। लगभग 1 नीचे डाउन आने पे मैं इसे भी थ्रेड यहाँ पे मैं इसे लपेटूंगी। मैंने सेम वैसे ही थ्रेड का यूज़ किया है, सेम उसी सैटन रिबन का ही थ्रेड यूज़ किया है मैंने। टसल के ऊपर इस थ्रेड को मैं 5 से 6 बार राउंड करूंगी, इस पे रिपीट करूंगी। नॉट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड ऐसे में मैं कट करूंगी। थ्रेड को ध्यान से कट करना है।
ये कट कर लिया है मैंने। टसल के नीचे का जो थ्रेड है वो ऊपर नीचे से मैं पहले प्रिंट करूंगी। ट्रिम करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो ऊपर का थ्रेड है उसे मैं एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसे मैं कट करूंगी। टसल में लगाने के लिए मैंने पर्ल लिया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो चाहिए लगा सकते हो। तो मैंने ये पर्ल लगा लिया इसमें। ये पर्ल लगने के बाद ये टसल बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप इसे देख सकते हो। सेम ऐसे ही टसल आप भी बना सकते हो। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे कुर्ती पे, साड़ी पे, आप वॉट एवर जहाँ पर भी आपको लगाना चाहो आप लगा सकते हो। इसमें ये बहुत ही फैशन में है। मैंने दूसरे कलर के रिबन से भी टसल्स बनाए हैं, आप इसे देखें। ग्रीन कलर का मैंने टसल बनाया है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने और भी टसल्स बनाए हैं। मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको थ्रेड से बनाना बताऊंगी, टसल्स कैसे बनाते हैं। होप यू गाइस ऑल लाइक इट। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।